नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में और ये वैकेंसी क्या 2020 में आएगी या नहीं, और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लेखपाल परीक्षा के लिए जरूरी होते हैं, जैसे CCC जरूरी है या नहीं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेन स्पेशली जो टॉपिक होगा आपके दिमाग में भी निकल के आ रहा होगा, क्या ये जो वैकेंसी है कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में भी देखने को मिली थी और लगभग 2 साल से ही ये न्यूज़पेपर में ही देखने को मिल रही है। और अगर जो बात करें तो 2019 में ये वैकेंसी कहीं ना कहीं आ भी गई थी और कुछ बच्चों ने फॉर्म भी फिलअप कर दिया था, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता उन बच्चों ने जो फॉर्म फिलअप किया था उनके पैसे क्या होंगे और ये वैकेंसी दोबारा कब आएगी, तो ये सारी बहुत सारे डाउट है, बहुत सारी संख्या है, इनके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जो आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या फिर रेलवे परीक्षा की तैयारी करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन क्लिक कर लीजिएगा, पल पल की अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें यहां पर नए साल पे जो न्यूज की कटिंग आई थी, नए साल में योगी सरकार, योगी गवर्नमेंट 25,000 नौकरियों का तोहफा देने वाली है। इसमें से सिर्फ UP SSC की तरफ से 15,000 नई भर्तियां और 10,000 जो भर्तियां हैं वो प्रोसेस में हैं वो की जाएंगी। ठीक है, अब आइए बात करें इसमें टोटल लिखा है, यहाँ पे साफ साफ बड़े बड़े हेडिंग में लिखा है 11,000 पद खाली पड़े हैं लेखपालों के, इसमें 8,000 से अधिक पद राजस्व लेखपाल के हैं। ठीक है, 4,000 पद आंसू लेखपी, ये सारे छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर जो इस कटिंग के अनुसार बात करें, इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार, तो सिर्फ 11,000 पद खाली है लेखपालों के, सिर्फ नहीं कह सकते, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और इस पर भी अगर जो वैकेंसी न निकाली जाए, भर्ती प्रोसेस न की जाए, तो हम कुछ कह नहीं सकते। आइए इसमें सारी डिटेल दी हुई हैं। इसके पहले हम बात करें अगर जो 2019 में वैकेंसी आई थी चकबंदी लेखपाल की, और चकबंदी लेखपाल की जो वैकेंसी थी लगभग 1300-1400 वैकेंसी थी, 1300 से 1400 समथिंग वैकेंसी थी, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन ये याद है वैकेंसी आई थी, आपको भी पता होगा। लेकिन उसमें चीज़ें ये थी, जो पोस्ट थी सारी जनरल की थी, जनरल की सारी सीटें थी, OBC की सीटें कितनी थी, 0 थी, SC की कितनी थी, 0 थी, ST की कितनी थी, 0 थी। फॉर्म भरना शुरू हो गया लगभग 3 से 4 दिन, मुझे याद नहीं सही से, 3 से 4 दिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए था, वो वैकेंसी थी, फॉर्म भी भरा हो रहे थे, फिलअप हो रहे थे। कुछ बच्चे हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में जिन्होंने उस फॉर्म को फिलअप किया, लेकिन उसके बाद ये चीजें उस पर सवाल उठाई गई उस भर्ती पे, क्यों जनरल की सारी सीटें हैं, क्यों SC की, OBC की, ST की सीटें क्यों उस वैकेंसी में नहीं है। तो उसके बाद उस वैकेंसी को रिमूव कर लिया गया। अब लेकिन उसके बाद जो बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया था उनकी फीस का क्या हुआ, उनके पैसे का क्या हुआ, अभी इस पर कुछ जवाब नहीं आया है। और एक बात और, अब मान लीजिए आपने कोई वैकेंसी निकाला, आप कोई एरर हो गया, उसके चलते वैकेंसी को कैंसिल करते हो, तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आपको उस वैकेंसी को निकाल देना चाहिए फिर से, लेकिन अभी तक वो वैकेंसी का कुछ पता नहीं है। ठीक, वो तो थी 1300-1400 वैकेंसी की बात। अब ये इसमें लिखा है 8,000 राजस्व लेखपाल और लगभग अगर जो 11,000 टोटल है तो 3,000 चकबंदी लेखपाल के होंगे, अभी इसमें कुछ नहीं पता। एक और चीज़ आई थी निकल के, इधर 6,000 लेखपालों के पदों की भर्ती की तैयारी हो चुकी है। अब तो न्यूज़ की कटिंग आप तो देखते रहते होंगे, आपको आदत हो गई होगी। कुल मिला के एक बात हमेशा ध्यान रखना, अभी देखो कह नहीं सकता वैकेंसी कब तक आएगी, कोई न्यूज़ नहीं है, और न्यूज़पेपर के हिसाब से मान के चलोगे तो ये वैकेंसी बात करें तो 2018 स्टार्टिंग से आ रही है, 2018 स्टार्टिंग से हर महीने आपको न्यूज़ के पेपर में कटिंग मिल जाता है कि लेखपालों की वैकेंसी अगले महीने आएगी, लेखपालों की वैकेंसी अगले हफ्ते आएगी, लेखपालों की वैकेंसी तब आएगी, लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं होता। इसलिए न्यूज़ पे कभी भी भरोसा मत करो जब तक नोटिफिकेशन UP SSC की तरफ से रिलीज ना कर दिया जाए। आपको क्या बताऊं मैं, अगर जो आप UP SSC ऑफिस पे जाओगे ना तो भी वो कहेंगे अगले महीने आएगी, उनको खुद पता नहीं होता कब तक नहीं आएगी। ज़्यादा आप अगर जो डंडा करना तो गलत हो जाएगा, ज़्यादा आप पूछोगे तो उन्होंने ये कहेंगे कि हम प्रस्ताव बना के सरकार के पास भेज दिए हैं, सरकार ने अभी ये इस पर कुछ कहा नहीं है कब तक आएगी। और देखो यहाँ पर कई चीज़ें हैं, और कुल मिला के एक चीज़ और ध्यान रखना, 2022 में चुनाव भी है, 2022 में चुनाव भी है, तो इसको लेके भी कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा होगी इस वैकेंसी को थोड़ा सा अटकाया जाए,
चुनाव से पहले ही निकाला जाए, ये होगी। लेकिन इतना लंबा ले जाना, मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना लंबा 2022 तक खींच के ले जाएगी। अगर जो बात करें यूपीपी की, 52,000 और वैकेंसी है, तो 52,000 की बात करें तो हो सकता है वो 2022 तक ले जाए हिचाच के। लेकिन ये जो बात करें लेखपाल की वैकेंसी है, इसको मुझे नहीं लगता कि ये जो पूरी वैकेंसी है इसको 2022 तक ले जाए। ये हो सकता है कि अगर जो 10,000 या 11,000 सीटें खाली है तो 3,000 से 4,000 या फिर चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी अभी निकाल दे, और जो और लेखपालों की वैकेंसी है राजस्व लेखपाल की उसको बाद में निकाले, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन कब तक आएगी ये कोई डेट नहीं है, ये कोई आइडिया नहीं है। कुल मिला के आप प्रिपेयर रहो, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। आइए कुछ और चीज़ें हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्वालिफिकेशन की बात करूँ, इंटरमीडिएट, ये तो पता आपको इंटरमीडिएट होनी चाहिए। दो चीज़ें हैं इसमें ट्रिपल सी को लेकर आ रहा है, ट्रिपल सी को लेकर डाउट कह सकते हैं। वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी का जो फॉर्म आया था उसमें ट्रिपल सी साफ साफ मांगा गया था, लेकिन लेखपाल की वैकेंसी को लेकर अब मुझे जहाँ तक अभी तक लगता है कि ट्रिपल सी इसमें नहीं मांगा जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि ट्रिपल सी कोई कंपलसरी नहीं रहने वाला। ये हो सकता है कि 10 क्वेश्चन अलग से डाल दे कि आपका कंप्यूटर से पूछा जाएगा, लेकिन ट्रिपल सी को लेके मैं तो कहूँगा कि 90% यहाँ पे श्योर है कि इस बार ट्रिपल सी आपसे नहीं मांगेगा। तो इसको लेके आप थोड़ा सा आश्वस्त रहिएगा, और जो लोग ट्रिपल सी अभी नहीं किए हैं वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कब तक ये वैकेंसी आनी है। तो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रहने वाला है, ट्रिपल सी आपको कोई गारंटी नहीं, 90% मान के चले ट्रिपल सी इसमें नहीं लगेगा। उसके बाद बात करें एज की, तो एज मिनिमम ध्यान रखिएगा 18 साल मिनिमम होना चाहिए, 40 साल मैक्स होता था, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फाइनल मैक्स का एज आपको कंफर्म करा दिया जाएगा। तो 40 मान के चलिए जो प्रीवियस आपके जो लेखपाल की वैकेंसी आते थे उसके हिसाब से। अगर जो बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, आपको पता है इंटरव्यू तो खत्म कर दिया गया, तो इंटरव्यू का कोई झंझट नहीं है। टोटल आपको जो एफर्ट लगाना, जो प्रयास लगाना रिटर्न एग्जाम पे लगाना है, 4 पोर्शन से प्रश्न आते हैं। तो सिलेबस भी मैं आपको यही बता देता हूँ, एक तो मैं हिंदी का प्रोसेस होता है, हिंदी का होता है, एक तो गणित का होता है, एक जनरल नॉलेज का होता है, ग्राम विकास समाज विकास, ठीक है, विलेज सोसाइटी डेवलपमेंट, सबकी क्लासेस हम करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ अनेक एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर बात करें हिंदी के 25 प्रश्न, गणित से 25, सामान्य विज्ञान 25, और ये ग्राम समाज एवं विकास से 25, यानी कि सबसे समान समान प्रश्न आ रहे हैं। सिलेबस जो भी है 100 क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से होगा, 120 आता हो सकता है 30-30 डिवाइड कर दे, तो इसी प्रकार से प्रश्न आने। तो आप जो भी चीज़ें हैं पढ़ाई करते रहो, तैयार रहो, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, और ऐसे तैयार रहो कि आपको कल परीक्षा देनी हो तो आप परीक्षा दे के पास हो जाओ, ठीक है। इसलिए अपने तरफ से अभी से 100% देने की पूरी कोशिश करो। तो बने रहो हमारे साथ अनेक एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भी न्यूज आएगी लेखपाल वैकेंसी को लेकर यहां पे दी जाएगी, पल पल के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।